कोरोना महामारी के चलते सभी अस्पतालों में ओपीडी बंद हो कर दी गई थी, जिसकी वजह से लोगों को बीमारी की हालत में इलाज के लिए दिक्कतें भी पेश आ रही थी। लेकिन अब लॉकडाउन में दी गई ढील के बाद ओपीडी लगभग शुरू हो चुकी हैं। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में ओपीडी के खुलने से अब लोगों ने भी राहत की सांस ली है। ओपीडी में सेवाएं मिलने से प्रदेश सरकार का लोगों ने धन्यवाद किया है। ओपीडी खुलने पर लोग काफी संख्या में पहुंच रहे हैं, जिससे रोजाना ओपीडी में भी इजाफा होते हुए 500 तक पहुंच गया है। मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा के अनुसार ओपीडी में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है और कोरोना बचाव के चलते पूरी एहतियात भी बरती जा रही है। मेडिकल कॉलेज में करीब 2 महीने से बंद ओपीडी के शुरू होने पर लोगों ने खुशी जाहिर की है। हमीरपुर के स्थानीय निवासी राजेश सिंह का कहना है कि अस्पतालों में ओपीडी खुलने से बीमारी की हालत में लोगों को इलाज मिल रहा है। उन्होंने ओपीडी शुरू होने के लिए प्रदेश सरकार का धन्यवाद भी व्यक्त किया। अच्छा फैसला है, क्योंकि कोरोना की वजह से लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, और अब जब ओपीडियां नए सिरे से खुल रही हैं तो इस बात का लोग अच्छी तरह से लाभ उठाएंगे, यह जानकर हमें बहुत प्रसन्नता होगी कि ये सरकार ने अच्छा काम किया है। स्थानीय निवासी मदन का कहना है कि कोरोना की वजह से सरकार ने अस्पतालों को बंद कर रखा था, लेकिन अब दोबारा से ओपीडी खुलने से लोगों को इलाज की पूरी सुविधा मिल रही है। कोरोना की वजह से सरकार ने और प्रशासन ने ये ओपीडी पे थोड़ा मतलब कंट्रोल किया हुआ था, तो पहले थोड़ी परेशानी खड़ी हो रही थी। आज हमें सुनने में आया है कि मतलब गवर्नमेंट ने ये ओपीडी को दोबारा शुरू कर दिया है, और हर समाज से मतलब जो भी मतलब कोई भी अगर पीड़ित है तो वो जाते हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं। डॉक्टरों का पूरा सहयोग है, प्रशासन का भी सहयोग है, गवर्नमेंट का भी सहयोग है, तो इसके लिए हमारी तरफ से और यही कहूँगा मैं कि सरकार ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है, प्रशासन ने भी, तो हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। और बड़ा ही अच्छा इलाज चल रहा है ओपीडी में। मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा का कहना है कि ओपीडी में कोरोना की वजह से कम लोगों की आमद हो रही थी, लेकिन अब भीड़ बढ़ रही है और दिन में करीब 500 से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए अस्पताल में पूर्ण एहतियात बरती जा रही है ताकि इन्फेक्शन ना फैले। हमारी पहले भी चल रही थी, पर थोड़ा रश बढ़ गया है क्योंकि अब थोड़ा सरकार ने थोड़ा ढील दी है, टाइम बढ़ा दिया है, आने जाने का साधन इनको मिल रहा है, तो पेशेंट बढ़ रहे हैं। 600 तक पेशेंट अब रोज आ रहे हैं, तो थोड़ा हम कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे ताकि लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो। जो भी सरकार की गाइडलाइंस हैं सोशल डिस्टेंसिंग, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है वायरस जो है अभी इसके बारे में अभी किसी को ज़्यादा इवन साइंटिस्टों को भी जानकारी नहीं है। अभी हमारा ये है कि भाई प्रिवेंशन बचाव जो है, हमको सतर्क रहना पड़ेगा हर चीज़ में ताकि ये इन्फेक्शन जो है फैले नहीं।